एक्सरसाइज करनी है हमें, मैं आपको बताऊंगा क्या खाना नहीं खाना और क्या लेना है हमें, मैं ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए एड़ी का दर्द तब होता है जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे जो फेशिया है, एड़ी का फेशिया, इसमें बड़ा खिंचाव पड़ता है, या फिर एड़ी के जो पीछे टेंडन है ये बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, या तो पीछे दर्द होता है या एड़ी के नीचे दर्द होता है। ये हमारी एक एड़ी धनुष की तरह से होती है, धनुष बाण की तरह से, अगर यहाँ का कुशनिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा हो जाएगा तो उससे फिर दर्द होता है। इसके दो तीन कारण होते हैं, या तो बहुत देर तक खड़े रहना है किसी को, मान लो लेडीज हैं काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह खड़े रहना है, या फिर वजन बहुत ज़्यादा है किसी का, या फिर किसी ने रनिंग अपनी शक्ति से ज़्यादा कर ली बिना वार्म अप के। बिना वार्म अप में रनिंग करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले वार्म अप करें, पहले वॉकिंग करें फिर रनिंग करें, उससे फिर दर्द नहीं होगा। तो ये तो हमें कारण ठीक करने पड़ेंगे। उसके अलावा इसका समाधान कैसे करें, देखिए एक तो ये चीज़ें खानी नहीं जो वायुवर्धक भोजन है, आयुर्वेदिक में बताया है आयुर्वेद में कि जिससे वायु ज़्यादा बढ़ जाती है, राजमा छोले पनीर मटर उड़द ये, या ज़्यादा नॉनवेज का उपयोग, या फिर चार वाइट पॉइजन चीनी नमक मैदा का ज़्यादा उपयोग, या फिर ये शराब बीड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो नुकसानदायक हैं, इसके बदले में जो हमें लेना पड़ेगा इसको शांत करने के लिए, दर्द को शांत करने के लिए मेथी का उपयोग बहुत अच्छा रहेगा। मेथी रात को आधी चम्मच भिगो दी दिन के खाने से पहले ले ली, सुबह भिगो दी शाम के खाने से पहले ले ली, या फिर मेथी काली जीरी और अजवाइन इनका पाउडर बना के, थोड़ा सा भून के पाउडर बना के, ये भी पौना पौना चम्मच सुबह शाम नवाए पानी के साथ लेते हैं। जब दूध पिए तो दूध में या तो वाइबडंग के चार दाने डाल के पिए, या फिर हल्दी आधी चम्मच हल्दी डाल के ले लें, उससे फिर दर्द नहीं होगा। या फिर हरिद्रा खंड आता है, पतंजलि का हरिद्रा खंड आता है एक, ये भी डाल के ले सकते हैं। और जिनका वजन ज़्यादा हो तो वजन कम करने के लिए मेदोहर वटी और त्रिफला गुगल वटी, ये एक ही गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और जब दर्द है तो दर्द के लिए एक तो एक्सरसाइज करें, जैसे कि धीरे धीरे करके बॉल है, बॉल से एड़ी के आर्च को ठीक करना, यहाँ की जो फेशिया को फ्लेक्सिबल बनाना, कस कस के ऐसे दबाना ऐसे ऐसे, या फिर कोई रोलर है, रोलर को रख लिया इसके नीचे, धीरे धीरे करके दबाओ उसको, में ऐसे करो ऐसे, एक एक्सरसाइज करनी है, ऐसे 10-10 बार हम कर सकते हैं। एक पैर की एक्सरसाइज भी करें, करके दिखाओ उसको, में ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे 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 करना, और फिर ऐसे दबाना ऐसे ऐसे, अपने हाथ से भी दबा के देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ के मूवमेंट, अगर यहाँ दर्द है तो एकिलेस टेंडन के उसके लिए ये एक्सरसाइज। बाकी योग करना, सूक्ष्म व्यायाम करना योग के, उससे भी फायदा होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी बात शांत होता है, वायु शांत हो जाती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी लाभ होता है। दूसरा जो दर्द है तो उसके लिए आग का पत्ता ले लें, जिससे कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए आग का पत्ता ले लें। आग के पत्ते को तवा है जैसे तवा, इसके बैक साइड में गर्म करके इसको गर्म कर लें, और इस पर अरंड का तेल ये डाल दें, जैसे एक चम्मच तेल डाल दिया हमने चारों तरफ डाल दिया, और थोड़ा सा अरंड के तेल में थोड़ा चूना और थोड़ी हल्दी मिला दी जैसे, ये तो करके इसको सेक लिया हमने तवे पे गरम करके, दोनों तरफ से सेक लें तेल लगा के, टाइम लेगा इसमें, तो थोड़ी हल्दी और थोड़ा चूना और थोड़ा सा अजवाइन भी मिला सकते हैं इसमें, ऐसे मिला के, और इसको जहाँ पे दर्द है वहाँ पे लगा के, फिर आग का पत्ता बांध दें उसके, रात भर आग का पत्ता ये ऐसे लगा के, सपोज यहाँ दर्द है तो यहाँ लगा दें ऐसे हल्दी, और अगर पीछे है तो पीछे लगा के फिर आग का पत्ता बांध के सो जाएं, ऐसे सो सकते हैं। इससे फिर सुबह तक काफ़ी दर्द में आराम मिलेगा। वैसे लॉन्ग टर्म में ऐसे दर्द ना हो तो उसके लिए लाइफस्टाइल ठीक रखें कि रात को जल्दी सोएं, हम सुबह जल्दी उठ जाएं, सुबह जल्दी उठ के योग भी करें, और पूरी बॉडी की भी तिल के तेल से मालिश कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, और मेथी का उपयोग कर लें। वायुवर्धक चीज़ें तब तक ना खाएं जब तक कि हमारी सुबह की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी ना हो। अगर सुबह आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, हम 2-3-4 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, तभी हम वायुवर्धक चीज़ खा सकते हैं, उड़द राजमा छोले पनीर मटर, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है वो अगर वायुवर्धक चीज़ खाएंगे तो फिर तो एड़ी में दर्द ज़्यादा हो सकता है। बाकी मैं तो लाइव रेगुलरली होते ही रहता हूँ, और बड़े सारे लोगों की क्वेरी थी कि डॉक्टर साहब एड़ी का दर्द हो तो क्या करें, तो वैसे एलोपैथी में तो पेन किलर दवाइयाँ होती हैं, डिक्लोफेनेक की दवाइयाँ होती हैं, और फिर पेन किलर जेल भी आते हैं, डिक्लोफेनेक की जेल आती है लगाने के लिए। वैसे इमीडिएट रिलीफ के लिए पतंजलि की भी, आयुर्वेद की भी पीड़ांतक जेल आती है, पीड़ांतक वटी आती है, तो हफ्ते 10 दिन के लिए पीड़ांतक वटी एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं, और पीड़ांतक जेल भी लगा सकते हैं, उसे भी लाभ मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि इस इन्फॉर्मेशन को आप सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि जो भी नीडी हैं वो घबराएं ना, क्योंकि नहीं तो अगर इसका प्राथमिक उपचार ना करें, इसका कारण ठीक ना करें, तो फिर स्टीरोइड के इंजेक्शन एड़ी में लगाने पड़ते हैं, चारों तरफ से स्टीरोइड के इंजेक्शन या PRP वो करना पड़ता है फिर, या फिर जेल सिलिकॉन जेल लगा लगा के काम चलाना पड़ता है। तो जड़ से ठीक करें, जिससे कि मूल कारण ठीक हो, वायु वात पित्त और कफ का बैलेंस ठीक रखें, वात पित्त कफ का बैलेंस ठीक रहेगा, फिर इस तरह के दर्द नहीं होते।
तो जैसे सोम्या है डेली एरोबिक्स करती है बहुत ज़्यादा, सुबह योग भी करती है, तिल के तेल से मालिश भी हम समय समय पे करते हैं, तो इसको इस तरह की बीमारियाँ हो ही नहीं सकती। और वजन भी इसका बड़ा ही नॉर्मल है, तो वजन को भी बढ़ने ना दे बिल्कुल, तो जिससे कि आगे से दर्द ना हो। और मैं चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को शेयर करें जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।